नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र प्लम्बर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्लम्बर वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बाथरूम में जो पानी का प्रेशर कम आता है दोस्तों, उसका क्या कारण है। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको आगे आगे बताता हूं कि उसका क्या कारण है। इसके कई कारण हैं दोस्तों, जिसमें से मैं आज आपको एक कारण बताऊंगा कि बाथरूम में पानी कम आ रहा है उसका क्या कारण है। तो ये भाग एक है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, ये जो हमारी ऊपर टंकी होती है दोस्तों, उस टंकी में से जो लाइन आती है दोस्तों, वो लाइन हमें हमेशा बड़ी रखनी है दोस्तों। जो हम टैंक निप्पल टंकी में लगाते हैं दोस्तों, वो आपको हमेशा ही ध्यान रखना है दोस्तों, वो टैंक निप्पल बड़ा लगाना है दोस्तों। अगर हम 1.25 इंच की टैंक निप्पल लगाएंगे दोस्तों, तो हमारे को 1.25 इंच का टैंक निप्पल और 1.25 इंच का वाल और 1.25 इंच का ही यूनियन और 1.25 इंच की ही हमें गैस पाइप देनी है दोस्तों, जिसको हम एयर पाइप बोलते हैं। जो टी है वो 1.25 इंच की ही लगेगी। तो एल्बो भी 1.25 इंच का दे करके हम कम से कम, ये दोस्तों ध्यान रखना है हमें कि हमारी जो लाइन है अगर तीसरी मंजिल से आ रही है, तो कम से कम हमें 20 फुट की जो नीचे लाइन उतर रही है, वो हमारी जो लाइन है 1.25 इंच की ही आनी चाहिए दोस्तों। कम से कम 1.25 इंच की लाइन 20 फुट तक तो ज़रूर ही आनी चाहिए। अगर हो सके तो आप टॉयलेट बाथरूम तक 1.25 इंच की लाइन ला सकते हो दोस्तों, जिसमें हमें जीरी थोड़ी गहरी करके उसको दबाना होता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि 1.25 इंच का ही हमें टैंक निप्पल, 1.25 इंच का जो है वाल यूनियन, एल्बो, टी और गैस पाइप तक हमें 1.25 इंच का ही रखना है दोस्तों। एयर पाइप भी हमें छोटा नहीं रखना है, 1.25 इंच का ही इसमें एयर पाइप लगेगा दोस्तों। तो हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए दोस्तों कि कम से कम 20 फुट की जो है लाइन नीचे जो उतर रही है, वो 1.25 इंच की लाइन हमें रखनी है दोस्तों, अगर हम तीसरी मंजिल पे टंकी रख रहे हैं तो। उसके बाद हम दोस्तों, उसके बाद जो है हम 1.25 का रिड्यूसर सॉकेट लगा करके हम आगे की जो लाइन है उसको हम 1 इंच कर सकते हैं दोस्तों। जो आगे की लाइन 1 इंच हो जाएगी, कोशिश ये करना है कि हमारी बाथरूम तक की जो लाइन है वो 1.25 इंच हो, जहाँ तक संभव हो 1.25 इंच की करनी है। अगर नहीं तो कम से कम हमें 20 फुट पाइप 1.25 इंच की ज़रूर रखनी है। उसके बाद हम 1 इंच कर सकते हैं दोस्तों, और 1 इंच के बाद जो हमारे बाथरूम के अंदर जो हम फिटिंग करते हैं दोस्तों, वो तो हमें 1.25 इंच की कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो दोस्तों, हमें ये जो लाइन है टंकी से जो हम डिलीवरी ले रहे हैं पानी की, वो हमें बड़ी रखनी है दोस्तों हमेशा ही। ये पानी के प्रेशर की समस्या हमेशा आती है दोस्तों। जो आगे की लाइन है दोस्तों, हम जो बाथरूम के अंदर की फिटिंग करते हैं, वो हम 1.25 इंच की रख सकते हैं दोस्तों। ये आप चाहे GI फिटिंग कर रहे हो, चाहे UPVC की, चाहे CPVC की, हमें ये हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, 1.25 इंच की ही लाइन डिलीवरी की उतारनी है, और लाइन कम से कम 20 फुट तक 1.25 इंच, उसके बाद 1 इंच, और उसके बाद रेड्यूसर लगा करके 1.25 इंच में कन्वर्ट फिटिंग को करना है दोस्तों, जिससे पानी का प्रेशर बना रहता है। और अगर टंकी 10 फुट पर है या 15 फीट पर है, तो भी हमें 1.25 इंच का ही, आप चाहो तो इसमें 1.5 इंच या 2 इंच की डिलीवरी भी दे सकते हो दोस्तों, जिसके ग्राहक कभी भी शिकायत नहीं करेगा कि हमारे लाइन में पानी टूटी में कम आ रहा है। तो दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जहाँ तक हो सके 1.25 इंच की लाइन हमें उतारनी है। तो दोस्तों, ये भाग एक है, इसके कई कारण है पानी प्रेशर कम आने के। इसका दूसरा भाग मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ये वीडियो आपको कैसी लगे इस पर कमेंट ज़रूर करना। अगर मैंने कुछ गलती की है तो अपने कमेंट में आप मुझे राय दे सकते हैं दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। मैं प्लम्बिंग से जुड़ी हुई वीडियो डालता रहता हूँ, क्योंकि मैं एक प्लम्बर हूँ, तो मैं डेली वीडियो डालता हूँ दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।